बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और इसको बोलिए ध्यान से करना। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल मैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम सुरता के द्वारा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री प्राणनाथ जी इस समय साक्षात तखत पर विराजमान हैं और शिरजी साहिब जी के श्री चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, कोटान कोट बेर प्रणाम करते हुए उन्हीं के श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो श्री राज तरस रहे नैना, आवो श्री राज तरस रहे नैना, आवो प्राणीनाथ तरस रहे नैना, आवो प्राणीनाथ तरस रहे नैना, बरस रहे नैना तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आवो घुमट वाले तरस रहे नैना, आवो शिरजी प्यारे तरस रहे नैना, आवो सतगुरु प्यारे तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, आवो श्यामा रानी तरस रहे नैना, आवो श्यामा रानी तरस रहे नैना, आवो महाराज
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक को लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। श्री ठकुराणी जी का सिंगार पहले हुआ जो ये, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान निज मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ जी वाईजू राज महाराणी जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर की सेवा कर रहे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम बहुत ही सार गर्भित दर्द भरा प्रसंग सुन रहे थे, जिस प्रसंग पर सारा निजानंद संप्रदाय की जागनी, पूरे निजानंद संप्रदाय की जो जागनी है वो वाणी के बलबूते पे है। और कल हमने सुना कि किस प्रकार से श्रीजी साहिब जी श्री प्राणनाथ जी हवसा के अंदर एक वर्ष तक 13 महीने तक रहते हैं, जो अब अधिक मास चल रहा है ना। जब श्री प्राणनाथ जी हवसा के अंदर थे, जेल के अंदर थे, तो उस समय में यही अधिक मास चल रहा था, 12 महीने भी नहीं 13 महीने थे, है ना। और हमने देखा कि किस प्रकार से जामनगर का राजा उन्हें नजरबंद करके और वहां से चला गया कुतुब खान के पास टैक्स अदा करने के लिए, है ना। और श्री जी साहिब जी को छोड़ के चला गया, उसको गए हुए इतना टाइम वहां बीत गया। और श्री जी साहिब जी जैसे ही हवसा में बैठे तो बहुत विरलाप किया, क्योंकि लाडले सुंदर साहिब जी घर की कुर्की हो जाती है। विचार कीजिए कितना मुश्किल होता है, एक दीवान के बेटे, इतने बड़े प्रधानमंत्री के बेटे, पूरे जामनगर के अंदर कोई एक भी बच्चा भी ऐसा नहीं है जो उनके परिवार को नहीं जानता, है ना। और ऐसे श्री जी साहिब जी पर इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है कि ये जो मेला करने की तैयारी इन्होंने की है, ये सारा राशन कपड़ा पैसा इन्होंने राज दरबार से चोरी किया है, है ना। चोरी किया था, क्या कर रहे थे वो, कितनी मेहनत कर रहे थे, है ना, डे नाइट एक कर रहे थे, किसके लिए। इतनी ईमानदारी से तो शायद कभी किसी ने जीवन में पैसा कमाया ही नहीं होगा जैसे श्री जी कर रहे हैं, कि ना तो गुरुपुत्र जी को बुरा लगे, ना राजा को बुरा लगे मैं देरी से जाऊं, ना राज दरबार के कार्य में देर हो, ना अपने निजानंद संप्रदाय में कोई कमी रह जाए, ना मेरी चितवनी में कमी रह जाए, ना मेरे पाठ में कमी रह जाए, ना चर्चा सुनाने में शाम को 4:30 बजे कमी रह जाए। अपनी सारी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभा रहे थे। और ऐसे में उनको शिकायत लगाई, किसने लगाई थी शिकायत, नंदराम मोदी ने, है ना। नंदराम मोदी ने ए काम सारा कीता सी, हवसे दे विच हाय नजर बंद कीता सी, रो रो के शिर जी ने धनी नु पुकारिया, रो रो के शिर जी ने धनी नु पुकारिया, दीदार दिता श्यामा महा
रानी ने किवें उतरी आखंड वाणी किवें उतरी आखंड वाणी। किसने दर्शन दिए आके? 6 महीने तक पानी नहीं पिया। कल प्ले देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा हवसा हमारे सामने है और श्री प्राणनाथ जी हमारे सामने हैं और किस प्रकार के उनके भाई बैठे हैं साइड में, उद्धव जी और सांवलिया जी, कैसे उनको राजी और श्यामा जी आके दर्शन देते हैं, कैसे श्री इंद्रावती जी हृदय से प्रकट होती हैं, हमने सारा देखा। और धनी हमें बिल्कुल वही दिखा रहे हैं, पूरी अपनी शक्तियां उतार के, ताकि सब बच्चों के दिल में, सुंदर साथ के दिल में वो लीला बैठ जाए अच्छे से। पहले यहां से सुनाते हैं फिर प्ले करके दिखाते हैं। और वो प्ले साधारण नहीं होता, वो प्ले प्रत्यक्ष रूप में जो निज घर की आत्माएं हैं ना उनको दिखाई दे रहा होता है कि ये छोटी सी साधारण सी लीला नहीं है। एक रामलीला करते हैं लोग, उसके लिए 6-6 महीने 3-3 महीने पहले रिहर्सल करते हैं, वो लोग 3-3 महीने रिहर्सल करते हैं तब जाके कोई राम श्री रामचंद्र जी का रोल अदा करता है, सीता का रोल अदा करता है और तब जाके कोई लक्ष्मण जी का रोल अदा करता है ना। और हमारे ये बच्चे कहते हैं, मुझे सारा दिन सबके कॉल आते हैं, आस्था कहती है कि जब मैं तैयार करने लगती हूँ मुझे ये भी नहीं पता लगता कि इनको तैयार किसने किया, और जब ये प्ले करने लगते हैं इनको ये नहीं पता लगता कि इतनी सारी चौपाइयां हमने कैसे याद कर ली और इतना सारा हमने कैसे कंठस्थ कर लिया। तो ये कंठस्थ नहीं होता, अंदर शक्ति आके बैठ जाती है। रामलीला देखने जाते थे ना, तो उसमें जैसे ही हनुमान जाते हैं अशोक वाटिका में सीता के पास, तो वहां अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, जाके केले तोड़ते हैं, सॉरी अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, तो उस समय में जो वो केला फेंकते थे ना, हम लोग गांव में देखते थे, जो वो बने हुए हनुमान जी किसी की तरफ केला फेंक देते थे तो जिनकी औलाद नहीं होती थी उनके घर में बच्चे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो रोल कर रहा होता है ना, आप साधारण लेते हो, ये बात बताने की नहीं है लेकिन धनी बता रहे हैं कि एक रामलीला में रोल करने वाले हनुमान जी के हाथ का फल उस समय में किसी की झोली में डाला डल गया या आया तो उनके घर में बच्चे हो जाते थे। ये हमारी आंखों देखी बात है ना। क्यों? क्योंकि वो जय जयकार वैसी करते थे कि आ गए श्री हनुमान जी, और जैसे श्री रामचंद्र जी का सीन आए तो उनके हृदय में प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, सीता जी आ रही हैं, लक्ष्मण जी आ रही हैं। अभी भी हमारी नजर बच्चों पे रहती है, बुरा तो नहीं मानोगे ना, कुछ कड़वा कहना पड़ता है, अभी भी हमारी नजर कहां रहती है कि ये अतुल बना है देवचंद्र जी, ये लविश बना है, राजा बना है प्राणनाथ जी, है ना, ये उनकी बेटी बनी है राजी, ये उनकी बेटी बनी श्यामा जी। तो हमारी नजर साक्षात आते हैं धनी, पर हम उनको अभी भी देख नहीं पाते। आप उनको नहीं देखें, किसको देखें? क्योंकि हम नहीं देख रहे, जिनकी लीला हो रही है उनकी नजर, तब सतगुरु देवचंद्र जी की नजर अपने तन में होती है, मेरा तन कौन सा धारण किया है, किसने धारण किया है। जैसे सतगुरु देवचंद्र जी का तन धारण होता है तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री जी की नूरी नजरें, उनकी लाइट, उनकी शक्ति, उनकी पावर उस तन के ऊपर पूरी अपनी फोकस छोड़ रही होती है कि ये मेरा तन है। और शिवजी साहेब जी की कल देखा किस प्रकार से कोई बच्चा एक दिन में नहीं सिर्फ 3-4 घंटे में उनको टाइम मिलता है, 3-4 घंटे का प्ले करने का, और 3-4 घंटे में इतनी तैयारी करके कोई प्ले होता है क्या? तो फिर ये कौन करता है? खुद धनी
ये बीत तक भी खुद धनी बैठ के कर रही हैं, प्ले भी वो खुद कर रही हैं, ये लंगर प्रसाद, ये भंडारा, ये पारायण। आप तो इतनी सी आंखें खोल लो सारे कि हमारे श्री गंगानगर के अंदर इस समय ब्रह्म लीला और ब्रह्म साक्षात उतरे हुए हैं, जिसमें जरा मात्र भी रंचक मात्र भी शक ना लाना इस चीज के अंदर। वो ब्रह्म और ब्रह्म लीला इस समय साक्षात और प्रत्यक्ष चल रही है। बाहर के सुंदर साथ कोल कर करके बता रहे हैं कि हमारा घर में बैठ के ये हाल होता है, अभी तक सुन के और प्ले देख के जो सामने बैठ के देखते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी, है ना। तो हमने कल देखा किस प्रकार से शिरजी साहब जी की हाल हुई, है ना, कैसी हालत थी, कैसे तड़फ रहे थे पिया के लिए और तड़फते तड़फते प्राण दे दिए। और ये बात कोई बनावटी नहीं है, प्राण दे दिए, उसकी चौपाई है वाणी के अंदर कि जब आहा सुख की अंग की, जब आखिरी सांस भी सुख के निकल गया, जब आहा सुख की अंग की और श्वास भी छोड़ियो संग। क्या कह रहे हैं, श्वास भी छोड़ियो, श्वासों ने भी साथ छोड़ दिया, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोय अपनो अंग। आपने तब पर्दा हटा के मुझे अंगीकार किया, मुझे स्वीकार किया है। और श्री इंद्रावती जी ने अगली चौपाई में कहा, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पीव, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाय, अब छल मल मोहे क्या करे मोह आदत से दियो उड़ाय, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाय। जब आहा सुखी अंग की और श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। और आगे श्री इंद्रावती जी ने कह दिया, मैं तो अपना दे रही, मैंने तो अपने प्राण आपको दे दिए थे, तुम ही राख्या जीव, प्राण वापिस आए। कल हमने देखा ना, जब गिर गए ना श्री जी नीचे तो प्राण निकल गए थे, उस समय प्राण निकल गए। और जैसे ही सतगुरु देवचंद्र जी आए, दौड़ के आए कि ये इन्होंने तो प्राण ही त्याग दिए, श्री इंद्रावती जी ने तड़फते तड़फते, जैसे प्राण निकले तो धनी देवचंद्र जी आए और श्यामा जी महारानी ने आके दर्शन दिया, दीदार दिया। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी, फिर तो बिना प्राणों के भी मुझे आपने प्राण देके खड़ा किया, कछु कारज कारण पीऊ, कोई कारज था, क्या काम करना है, आपने आपने वाणी का अवतरण करना था, आपने सुंदर सात की जागनी करनी है, इसलिए आपने मुझे फिर से प्राण देके खड़ा किया। और श्रीजी साहिब जी कहते हैं कि मैं मेरे मन के अंदर थी जानियो लाभ माया ने नो लेसू, निद्रा ने वासो देसू, धनी ने चरणे रेसू, माया कैसे ते सर्वे सेसू। मेरे मन में तो एक ही बात थी कि मैं यहाँ पूरा लाभ लेके जाऊं, सुंदर साथ की सेवा करके जाऊं, माया मुझे कुछ भी कहती रहे मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं तो परम धाम के अंदर धन्य धन्य होना चाहती हूं, है ना। लेकिन मेला नहीं करने दिया, इच्छा क्या थी मन में, मेला करने की। और धनी ने कहा, ए इंद्रावती कौन सा मेला करना चाहती है, आज कपड़े पहनाएगी, भोजन कराएगी,
तो ये तो जो आप इनको दे रहे हो वो तो समाप्त हो जाएगा। हम आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं, कौन सी सेवा, कि जब तक जागनी ब्रह्मांड रहे तब तक आपकी सेवा जारी रहे, जब तक ब्रह्मांड चलता रहे तब तक, क्योंकि आप सभी को वस्त्र आभूषण लंगर प्रसाद खिलाना चाहते हो, हम आपके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की खुराक सुंदर साथ को देना चाहते हैं। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की खुराक जो आपके द्वारा दी जाएगी, जिस खुराक को लेके आत्माएं सीधा परम धाम के अंदर जाएंगी। बोलो श्री, ऐसी खुराक है ना, तो ऐसी खुराक देने के लिए कौन आ गए हवसा के अंदर? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्यामा जी महारानी। कहते हैं लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, अचानक शिवजी साहेब जी चर्चा करने लग गए हैं, और यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, हृदय एकदम हृदय के अंदर प्रकाश हो गया। और जिस समय में इनके इनको दर्शन होता है ना, पूरे हवसा के अंदर जो काल कोठड़ी थी, अंधेरा था, जहां बिल्कुल जमीन पर बैठे थे शिवजी साहेब जी, एक वर्ष तक कोई कुछ चद्दर चुद्दर नहीं, कुछ नहीं, कहां लेटे हुए थे जमीन पर, है ना। और ऐसी ऐसे अंधेरे के अंदर जैसी श्यामा जी महारानी प्रकट हुई, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हवसा में प्रकट हुए, मानो करोड़ों सूरज का प्रकाश श्री महाराज जी के मुखारविंद के ऊपर पड़ा, तभी तो सांवलिया जी ने देखा, उद्धव जी ने देखा कि ये क्या हुआ, इस हवसे के अंदर ये क्या हुआ। श्री जी के हृदय के अंदर से एकदम बिजलियां चमकने लगी, लाइट नूर प्रकाश लेके कौन आए, सामने आके खड़ी हो गई परम धाम की श्री श्यामा महारानी। बोलो श्री प्राणनाथ, साक्षात श्यामा जी महारानी। और अब श्री जी के मुखारविंद से जैसे ही श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार अवतरित होता है, अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे शोभा कहूं घनी वर्णी जे जेम जेम वचन कहीं ऊंचा आवे ना आवे वाणी माहे ते। अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे, कहते वो अखंड स्वरूप और मेरा मिटने वाला आकार, उसका मैं वर्णन कैसे करूं। श्यामा जी महारानी सामने खड़ी हैं, और ये पहला प्रकरण रास का यही उतरा था, पहली बार श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से वाणी उतरी, तो जो हम रास ग्रंथ के अंदर श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पढ़ते हैं वो श्री राधा रानी जी का श्रृंगार है। वो योग माया ब्रह्मांड के अंदर राधा जी ने कैसा श्रृंगार सजा था, श्यामा जी ने कैसा श्रृंगार सजा था, वो स्वरूप है। और उस स्वरूप के लिए कहते अखंड स्वरूपनी अस्थि अकारे, वो अखंड स्वरूप है और मेरा स्थिर वाला नहीं है, मेरा अखंड तन नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहते मेरे पर अस्थिर आकार है, मिटने वाला है ना। शोभा कहूं घणो वर्णवी जे, मैं उस शोभा को घने ही वर्णन करना चाहती हूं। जेम जेम जैसे जैसे वचन कहीं ऊंचा आवे, मैं बड़े से बड़े शब्दों में, ऊंचे से ऊंचे शब्दों में श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन करना चाहती हूँ, पर ना आवे वाणी मा ते, पर मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी सुंदर श्यामा जी महारानी जो सामने खड़ी हैं, क्योंकि उनका नख से लेके सिख तक नूरानी स्वरूप का वर्णन करना और इन शब्दों में वर्णन करना, तो श्री इंद्रावती जी कहती है मैं कैसे करूं। तो कहते पहले श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार का वर्णन होता है और बाद में श्री राजजी महाराज के स्वरूप का वर्णन होता है, और फिर सारे सुंदर सात के वर्णन स्वरूप का वर्णन होता है। एक श्यामा जी ने वर्णवु बीजो साथ एणी पेरे जान, श्री इंद्रावती जी ने कहा मैं एक श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हूं और बाकी सारे सुंदर साथ को आप कैसा समझना, श्यामा जी जैसा समझना। श्यामा जी की महानता देखो, इतनी बड़ी महारानी अर्श अजीम की, और उन्होंने
जब हमें परम धाम के अंदर तन दिए तो अपना ही स्वरूप दिया। उनकी महानता को देखिए, उन्होंने दासियां नहीं बनाया अपनी, उन्होंने सारी 12,000 ब्रह्म सृष्टि को अपना ही स्वरूप, अपनी ही शोभा, अपना ही श्रृंगार प्रदान किया। तभी तो जय हो, जय हो। एक श्यामा जी ने वर्णमु भी जो साथ एनी पेरे जान। मैं एक श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करती हूँ और कहते आप पूछोगे भी सुंदर साथ का श्रृंगार कैसा है, तो जैसी श्री श्यामा जी महारानी है ऐसा ही श्रृंगार सुंदर साथ का है। तो ये श्रृंगार का अवतरण होता है। फिर क्या हुआ, हवसे के अंदर रामते खेलने लग गए। क्या चलने लग गई, रामते। और रास की सखियां, महारास खेलने वाली सखियां हवसा में आ गई। और हवसा के अंदर आके एक श्री कृष्ण है, एक गोपी है, एक श्री कृष्ण है, एक गोपी है, और वो महारास कहां होने लग गया, हवसा के अंदर होने लग गया। अब उनके घुंघरों की आवाज, उनके पायल की आवाज, उनके वस्त्र आभूषणों की आवाज, और एक सखी का इतना नूर है, विचार करो वो सारी सखियां उतर के हवसा में महारास कर रही हैं, तो कितना नूर होगा, कितना तेज होगा, और कितना आनंद आया श्री इंद्रावती जी की आत्म को। क्योंकि वहां कौन आ गए, सतगुरु देवचंद्र जी आ गए, श्यामा जी आ गई। और जब रास की रामते उतरने लगी तो रामते वहां खेलनी शुरू हो गई, है ना। कहते कछु रास की रामते, कछु साथ की भी करूं रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सयन। श्री इंद्रावती जी कहते हैं ये सेवा करी है सुंदर साथ की श्री इंद्रावती जी ने, जिससे सारा ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक मेरी परम धाम की आत्माएं इस वाणी से सुख पाती रहेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते जब ऐसा हुआ ना, जब हवसा के अंदर ही राज जी आ गए, श्यामा जी आ गई, सतगुरु देव चंद्र जी आ गए, और महारास खेली गई, और इनके मुखारबिंद से, जैसे ही श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद से चौपाइयां उतर रही थी ना, तो मिश्री की डलियां गिर रही थी, मिश्री की इंटें गिर रही थी, तो मिश्री की बारिश हो रही थी, बाहर जाहिरी रूप में हो रही थी। उसी को देख के महारानियां दौड़ के आती हैं और वो जालियों में से देखती हैं कि रात को सोती नहीं है महारानियां, रात को आके देखती हैं तो अंदर रामत हो रही है। महारानियां जालियों में से देखती हैं, वो देखती हैं कि अंदर तो आनंद ही आनंद बरस रहा है ना। तो कहते ऐसा आनंद जब हवसे के अंदर बरसा, और कहते हैं तब तो श्री इंद्रावती जी ने क्या कहा, दुख मोसो जाता रहा आया अन्न में उमंग। बोलिए श्री, अब सारा दुख था ना जो 13 महीने का, भूखे रहे प्यासे रहे, है ना, विरहा किया, विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर, चौदे तबक की साहिबी सो मैं वारू तेरे विरह पर, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, है ना। जब इतना विरह किया कि तल्फे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे, है ना, सनमंद मूल को जान के सेज सुरंगी पर ले, इतना तड़फी श्री इंद्रावती जी, और उनकी तड़फ से कौन आ गए हवसा के अंदर मिलने के लिए, सभी आ गए। क्योंकि बिहारी जी ने एक भी सुंदर साथ को 13 महीने में मिलने नहीं जाने दिया, डरते थे सारे, है ना। लेकिन उनको मिलने के लिए कौन आ गए, तन मन दृढ़ किया, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया ना करे निराश, श्री महामत नेहचे कर कहे होसी दुल्ले सो विलास। मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, श्री इंद्रावती जी के मन ने, उनके चित्त ने, उनकी बुद्धि ने अंदर से दृढ़ विश्वास कर लिया था। हमें भी करना चाहिए, जब तक दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे ना, हम सोचते ही नहीं कि हमें दर्शन होंगे। क्यों नहीं सोचते भाई, क्यों नहीं सोचते, तब तो तारतम वाणी बाद में उतरी है, और शिव जी को तो निज नाम के बलबुते पे ही दर्शन हो गया, उनके पास तो एक चौपाई थी तारतम की, है ना।
एक ही चौपाई थी ना, तब तारतम नहीं उतरा था ना पूरा। उसके बलबुत्ते पे क्या कर लिया उन्होंने, विरहा के द्वारा अपने धनी को प्रकट कर लिया है। और कहते हैं श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे श्याम समागम थयो सौ साथ भेला जगवा। इंद्रावती ने मैं कहो, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, कहते श्री इंद्रावती के साथ बहुत ही प्रेम के साथ श्याम समागम थयो, आके धाम धनी का श्री श्याम श्री कृष्ण जी का मिलन होता है। और सौ साथ भेला जगवा, और सारे सुंदर साथ को इकट्ठा जगाने के लिए इंद्रावती ने मैं कहो। मैं कौन कह रहे, श्री राज जी महाराज। सौ सात भेला जगवा, इकट्ठा जगाने के लिए इंद्रावती ने मैं कहो। अब कहने वाला वो हो और नित देने वाला वो हो तो जागनी कैसे नहीं होगी, है ना। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, देखो तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर, श्री महामत इन सुखी क्यों कहूं जो उद्यो मूल अंकुर। तुम आए सब आइया, ए धनी आप आ गए ना, सब आ गया दुख गया सब दूर। अब मुझे कुछ याद नहीं है कि एक वर्ष तक मुझे सांवलिया भाई ने कितने ताने मारे। क्यों? क्योंकि आज सांवलिया भाई जितना रोई है ना हवसा में, जितना पश्चाताप किया है ना, आठों पहर विरहनी श्वास लिया हुक हुक, पत्थर काले ढिग होते सोबी हुए टूक टूक। काला पत्थर कहा सांवलिया भाई को, कहते काला पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हो गया जब मैंने अष्ट पैर 64 घड़ी आहें भरी अपने पिया के लिए, आखिरी श्वास निकल गए तब वो टूक टूक हुए, है ना। तो कहते हैं कि अब तो जितने मुझे ताने मारे सांवलिया भाई ने, कि तू कह नहीं सकता था कि हमने चोरी नहीं करी, जब वो वजीर आया तो चुपचाप खड़े हो गए, सफाई तो देनी चाहिए थी, कहना तो चाहिए था एक बार कि मैं राज दरबार में। श्री जी को सांवलिया भाई कहते हैं कि बोलना तो चाहिए था, सफाई तो देनी चाहिए थी, कहना तो चाहिए था मैं रोज कमा के लाता हूं, एक दिन सूजी आती है एक दिन आटा आता है एक दिन चीनी आती है, एक ही दिन में थोड़ा जितना कमा के लाते थे। कांजी भाई को कहते थे आज सूजी ले आओ, आज देसी घी ले आना, मैं पैसे ले आया हूं, आज आटा ले आना सुंदर साथ के लिए, आज चावल ले आना, नगद ले आते थे अपनी कमाई और आके गोदाम में रखते जाते थे। तो वो बोले सांवलिया कि जब आपको वजीर ने कहा कि ये सारी सील मोर लगी पड़ी है महाराज, बोल लो कि ये आपने किया, आपने हाथ जोड़ लिए और रोने लग गए। क्यों रोने लग गई थी श्री इंद्रावती? अपने पिया की तरफ देख रही थी कि मैं तो हम तो बंदगी में हते हैं। क्या कल कह रहे थे कि क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, ये सोच रहे थे तो रो रहे थे कि मेरे ऊपर इतना सखत बखत क्यों आया, हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया इत। मैं तो बंदगी में लगा था, मैं तो सुंदर साथ की सेवा कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करूं निज धाम, मेरे अंदर तो एक ही उम्मीद थी ना, मैं मेला क्यों कर रहा था कि सारी जमात को इकट्ठा करूं उनको जगाऊं उनको परम धाम दिखाऊं। और कछुए वास्ते कछुए न लिया काम, मैंने मेला और कोई मेरा पर्पज ही नहीं है मेला करने का, ना चाहूं मैं बुजर्गी ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे आपनो मोसो याई सो मुद्दाए। मेरा तो मुद्दा एक इश्क का था कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं आपकी सेवा करूं मुझे इश्क मिले, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलू प्यारे पियूसों। प्यारी श्री महामती कहे बेर बेर, मैं तो आपका प्रेम मांग रही थी, आपका दर्द मांग रही थी, आपका इश्क मांग रही थी, तो आपने ऐसा क्यों किया, ये सोच ही तो रहे थे। वजीर को क्या जवाब देते, कहते कि अच्छा उसको प्रीतम को भी सफाई देने की जरूरत है क्या, जो तन की जाने
मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी। आज मैं उनको सफाई दूं, क्या मेरा वो अंतस्करण जानते नहीं है, जिनके पास मेरा एक्सरा है, जिनके पास मेरा अल्ट्रासाउंड है, जो मेरे रोम रोम को जानते हैं। मैं क्या सफाई दूं उनके सामने कि मैंने राज दरबार से नहीं चुराया। तो ताना मारते थे सांवलिया भाई, तो सांवलिया भाई के ताने भी भूल गए, है ना। क्यों? क्योंकि अब धनी आ गए ना, और 6 महीने भूखे प्यासे रहे वो भी भूल गए, है ना। तो कहते हैं रामत भई रास की, सुख पाया जो थे संग, जब रामते होने लग गई अवसा में। फिर सांवलिया भाई को और उद्धव जी को बड़ा सुख मिला जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यहां तो रामते खेली जा रही हैं। ओ ओ ओ ओ श्यामा जी श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे ओ सखी सखी मन को मन अंगे अंगे उछ अंगे अंगे उछ रंग सखी सखी मन को मन और भामी केल करे भामी केल करे भामी केल जोर जंग करती पूरण रंग ज्योति अति जोर जंग आतम परे परे आतम परे परे आतम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये रामतें इस तरह से आनंदी आनंद जब बरसा तो कहते हैं रामत भई सब रास की, सुख पाया जो थे संग। अब उस हौसा के अंदर ऐसे रामते खेली जाएं, है ना, और श्री महाराज जी के ऊपर अब विश्वास आया सांवलिया भाई को कि मेरा भाई कोई साधारण नहीं है। जब चौपाइयां उतरने लग गई, श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार उतरा, राज जी का श्रृंगार उतरा और सुंदर सात का श्रृंगार उतरा, उद्धव जी ने कोयला लिया और कोयले से पूरे हवसे के अंदर वो चौपाइयां लिख दी। हम लोग हवसा देखने जाते थे ना, तब भी लिखी हुई थी चौपाइयां उसके अंदर, उस दीवारों के ऊपर अब भी निशान है, उन दीवारों के ऊपर अभी भी निशान है और वो हवसा अभी भी जो का त्यों खड़ा है। पिछली बार तो उन्होंने जाने दिया, इस बार गए तो बार चौकीदार बैठा था, उसने कहा राजा ने मना कर दिया अंदर जाने के लिए क्योंकि इमारत गिरने वाली है, इसलिए अंदर अब नहीं जाने देते किसी को। तो पिछली बार तो हम बिल्कुल करीब जाके दीवारों के साथ जाके हवसा देख के आए और अभी तक भी उस हवसे के अंदर वो ही एहसास, वो ही दर्द,
है ना। तो जब ऐसा हुआ तो कहते हैं सामलिया बड़े भाई को इत आया ईमान। अब किसको विश्वास आ गया? सामलिया जी को। चर्चा सुनी इन समय कछुक भाई पहचान। अब चर्चा होने लग गई और जब चर्चा सुनी तो सामलिया भाई को विश्वास आ गया, है ना। और इस समय में अंजील किताब का इन समय उतरी कई फुरकान। कहते कुरान के अंदर लिखा हुआ था हवसा का एक पादशाह होगा, उस हवसे के पादशाह पर अंजील रूपी एक किताब उतरेगी। वो अंजील क्या है? रास। और वैसे अंजीर जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है, आपने देखा ना अंजीर कितनी मीठी होती है। तो कहते वो किताब उतरेगी किस पे? एक हवसे का पादशाह होगा। ऐसा निशान लिखे हुए कुरान के अंदर, तो स्पष्टीकरण तो है नहीं, क्योंकि जंजीरा मुसाफ की मोतियन में पिरोइए जब जिनस से जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने, तब कड़ी कड़ी को मिलाओ तब पूरी बात होती है। तो कहते हैं और जैसे ये रास की किताब उतरी ना तो कहते होत इन किताब से नूर रोशनी जोर। कहते जैसे ही किताब उतरनी शुरू हुई हफसा के अंदर इतना नूर आ गया, इतनी रोशनी आ गई और वो भी जोरदार रोशनी, ऐसा नूर ऐसा तेज। चौपाई कह रही है ना होत इन किताब से नूर रोशनी जोर। किताब ही नहीं उतरी ना क्योंकि सारे स्वरूप प्रकट हो गए ना, वो भी कहां? श्री इंद्रावती जी ने पूरे 13 महीने विलाप किया क्योंकि उस समय में दीपावली आई। खटृति में कहती है दीप मेलो सुहावनो ना आवे बीजी वार। दीपावली का मेला आया है अब तो आ जाओ, और बाहर सब पटाखे चला रहे हैं, मैं आपकी इंद्रावती कहां बैठी हूं? जेल के अंदर। और दीपावली किसके साथ होती है? पति साथ में हो तो उसकी दीपावली होती है, जिसका पति साथ में हो ना हो तो उसकी काय की दीपावली है। तो फिर होली का होली उत्सव, होली के लिए रोई, दीपावली के लिए रोई। फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, खिजड़ा मंदिर के अंदर जोर शोर से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बिहारी जी मना रही हैं, श्री जी कहां बैठे हैं? अब अपने मंदिर में कितने आनंद से मनाई जाती है, है ना। और वो उस समय में खिजड़ा मंदिर में मनाई जा रही है और वो कहां बैठे हैं? जेल में। फिर राधाष्टमी आ गई 15 दिन बाद, रोते ही गए हर त्योहार के लिए, रोते ही गए, है ना। और रोते ही बदलिया हाल, रोते रोते हालात ही बदल दिए। कौन आ गए? स्वयं धाम के धनी ने दिवाली कर दी। किसकी दिवाली कर दी? जीवन भर के लिए जगमगा दिया श्री इंद्रावती जी को, क्योंकि दीपावली के लिए रो रही थी ना कि बाहर दीपक जल रही हैं, बाहर फुलझड़ियां जल रही हैं, बाहर पटाखे चल रहे हैं, बाहर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग खुशियों के साथ नए नए कपड़े पहन के और इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और मैं इंद्रावती कहां बैठी हूं? मैं अर्धंगनी तुम्हारी तल्फो बिना धनी धाम, मैं आपकी अर्धंगनी अपने प्रीतम के बिना यहां बैठ के तड़फ रही हूं। और श्री राजी महाराज जब आए साक्षात, इतना नूर लेके आए, इतना तेज लेके आए। इंद्रावती कह रही थी ना बाहर दीपावली है, दीपक जल रहे हैं, बाहर क्या दीपक जले होंगे इंद्रावती, मैं तेरे पूरे अवसे को ऐसी दीपावली बना दूंगा, तेरे जीवन को ऐसी दीपावली बना दूंगा कि सारा जीवन जगमगाएगा। ऐसी ऐसी दीपावली जगमग करने के लिए धनी आ गए। तो कहते हैं होत इन किताब से नूर रोशनी जोर, जब चित राज की तरफ को छोड़ माया की मरोर। कब आए धनी? जब चित ने बिल्कुल माया को छोड़ दिया और चित को मोड़ लिया, तभी श्री इंद्रावती जी कहती हैं केड बांदी ने जारे कीजे उपाय त्यारे तम बस थासो। कोई भी सखी, श्री इंद्रावती जी ने कोई भी सखी कमर बांध के आपको पाने का उपाय करे, तन से सेवा करे, मन आपके चरणों में लगाए, है ना, मन चित्त बुद्धि जीव तक को कुर्बान करे, तो कहते त्यारे तम बस थासो, आप उसके बस में हो सकते हो। जे नचाइयों ते नाचियों, फिर श्री इंद्रावती की तरह पिया को जैसे वो सखी नचाए वो वैसे नाचती हैं। पर पहले कैसे करना पड़ता है?
पहले इश्क से, प्रेम से। श्री इंद्रावती जी ने कहा, ए धनी, मैंने तो आपको पिंजरे में डाल दिया, अब मैं आपको अंगूर खिलाऊं, द्राक्ष किशमिश खिलाऊं, मेरी मर्जी, आम खिलाऊं, मेरे हृदय रूपी पिंजरे के अंदर आप बंद हो, है ना, और मैं आपको बंद करके बैठी हूं। और फिर उसमें कहती हैं, खटरुती के अंदर आपने सारी वासनाओं को परखा है, मैं परख्या धनी श्री धाम। बोलो श्री, आप तो वासनाओं को परखते रहे, यहां ये तान भाई है, ये सैन भाई है, और मैं परख्या धनी श्री धाम। नहीं अदखिन्नी अलखान जो तत्खिन रंग पलटावो, कहते ये कोई एक आइडिया से नहीं, अटकल नहीं अलखान, मैंने कोई आपको अटकल से नहीं पहचाना, जो तत्खिन रंग पलटाओ, अब आप बदल जाओ, दोबारा मुझे इस तरह से नजर ना हो या दर्शन ना दो, नहीं अटकल नहीं अलखान जो तत्खिन रंग पलटाओ। तो कहती जहां हूं तहां तमे आवो, मैं ऐसी इंद्रावती अब बन गई हूं, अब मैं जहां बैठूंगी वहां आपको आना होगा, क्योंकि मारा बस की दल रे श्याम मोसू अलगा केम करी थाओ, ए मेरे बस किए हुए प्रीतम, अब जीवन में आप मुझसे अलग होके दिखाना, क्योंकि मैंने आपको ऐसे तोते की तरह अपने हृदय में बंद कर लिया है, अब मैं मर्जी से खिलाऊंगी, मर्जी से आपको नचाऊंगी, हैं? अब मैं मर्जी से रखूंगी आपको, इतना टाइम तक मैं आपकी मर्जी से रही, अब आप किसकी मर्जी से रहोगे? मेरी, क्योंकि मारा बस की दल रे श्याम, ए श्याम ए कृष्ण, मैंने आपको अपने बस में कर लिया है। विनती विनवारे, ए बालाजी मैं आपसे विनती करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि मारा मंदिर मां पधारो, मंदिर में पधारे हो तो अब मैं जाने नहीं दूंगी। कैसे पधारी हैं, कितनी मेहनत करी, सारा जीवन ही दे दिया, किसके लिए, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु थी, तो कहां आ गई, धनी देवचंद्र जी के चरणों में, फिर चर्चा सुनते रहे, 25 वर्ष की आयु हो गई, फिर अरब देश में भेज दिया, कितने युद्ध हो गए, पहला युद्ध है अरब देश का, कहते मैं तृण युद्ध की दा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पुताने करी, मैंने 3 युद्ध माया से किए, पहला युद्ध कौन सा है, अरब देश के अंदर, 5 वर्ष तक अरब देश में रहे, 4 वर्ष तक, 2 वर्ष घर में रहे, 2 वर्ष कल्ला जी के पास नौकरी करी, 9 वर्ष की जुदाईगी थी, उसके बाद गुरुपुत्र बिहारी जी के कहने पर फुलबाई जी का त्याग कर दिया, तीसरा युद्ध ये चल रहा है कि श्री इंद्रावती की आत्म श्री महाराज जी को हवसा के अंदर बंद कर दिया, और चौथा युद्ध अभी आएगा जब अहमदाबाद में फांसी का हुक्म हो जाएगा, और कांजी भाई कहेंगे कि बाईजू राज जी का रूप धारण करके बाहर निकल जाओ, तो कहते 3 युद्ध मैंने जीत लिए, यहां तक जीते हुए हैं, लेकिन 1 युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं अगर कांजी भाइया से निकल सकते थे तो जो कांजी को सिखाया ऐसा कह के मैं भी तो निकल सकता था, पर मैंने एक सीधी साधी आत्मा को बलि चढ़ा दिया, है ना, फांसी पे चढ़ने के लिए छोड़ दिया उसको अहमदाबाद के अंदर। तो श्रीजी साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि देखो, यूं करते चर्चा जबराइल ने किया जोर, चर्चा जब कर रहे थे जबराइल आ गया, जबराइल का मतलब है जोश आवेश, इतनी तेज आवाज हो गई जोश आवेश के अंदर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर, कहते ऐसा जोश आया कि अब तो किसी चीज की कमी नहीं रह गई, सारी शक्तियां श्री जी के अंदर आ गई, और वाणी निकसी मुक्ते जो कलाम जंबूर, कहते अब और वाणी उतरने लगी, प्रकाश ग्रंथ उतरने लगा, कछु इन विध कियो रास, खेले फिरे घर, खेल देखन के कारणे आया उमेंदा कर। तो कहते जो जो आए थे उतरी उत्तम बाई लिखिए, बोलो श्री, और जैसे जैसे ये उतरती गई वाणी, अपने कल देखा था ना उद्धव जी, उत्तम बाई की वासना है, कौन, उद्धव जी, कल हमने देखा था वो कैसे उद्धव जी लिख रहे थे अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे, जैसे जैसे वाणी उतरती गई तो उद्धव जी उत्तम बाई की वासना लिखते गए,
है ना। और भजन में कहते हैं ए वाणी मोमिना दे ताले विच होवेगी। ताले मीन्स होता है नसीब में, किसके नसीब में होएगी, कौन पढ़ेंगे वाणी, जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ होंगे। ये श्री जी क्या के गए, ए वाणी मोमिना दे ताले विच होवेगी, अर्श दी रू वाणी सुन सुन रोवेगी, अर्श दी रू वाणी इलम शहूर नाल निज घर पावेगी, इलम शहूर नाल निज घर पावेगी, दिल नू अरश बनांदी ये किवें उतरी आखंड वाणी, ये किवें उतरी आखंड वाणी, ये ब्रह्म श्री ते किवें होई मेहर बानी, ब्रह्म सृष्टि ते किवें होई मेहर बानी, सुन लो साथ कहानी ये किवें उतरी वाणी, ये किवें उतरी आखंड वाणी है। कहते जैसे जैसे वाणी उतरती गई, चौपाई में कहते हैं ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से। जैसे जैसे उतरती गई दीवारों पर कोयले से लिखते गए, क्योंकि अंदर कुछ था नहीं ना, जेल में कुछ भी नहीं था लिखने के लिए, किससे लिखते गए, कोयले से लिखते गए दीवारों पर वाणी को। और जब रानियां आती हैं ना और आके कहती है मिश्री की इंटें गिर रही हैं, मिश्री की बारिश हो रही है, हम आपकी क्या सेवा करें, है ना, तो उस समय में उन्होंने कहा हमें कापी और कलम शाही दुआत ये चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी उतरी है उसको हमने कॉपी पे लिपिबंद करना है। तो उस समय में उन रानियों ने कॉपी की और कलम और द्वात की व्यवस्था करवाई, तो फिर ये वाणी उद्धव जी ने पूरी उतार ली, है ना। तो कहते ये दो किताबें उतरती हैं वहां, क्या, रास और प्रकाश, और खटरुति भी इस समय उतर जाती हैं, है ना, और कलश का बीज इन समय उठा इत अंकुर, कलश की दो चौपाइयां उतरती हैं। सो तब से चढ़े दीव में हुआ सूरत में मजबूर, दीव बंदर जाने लगे तब कुछ उतरी कलश की वाणी, और फिर सूरत में जाके ये कलश का ग्रंथ पूरा होता है। और बेहद वाणी उतरी दीप बंदर के मजल, अब बेहद वाणी कहां उतरती है, जब दीप बंदर में जा रहे हैं, आपने सुना है ना शुक तोता आके रोने लग जाता है पाल पर बैठ के, है ना, सुनियो बेहद वाणी बड़े बड़े हो गए काहू ना जानी, है ना, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। तो ये बेहद वाणी जब तैयार हो गई तो सिर जी कहते मेरा सिर तो आसमान के साथ लग गया, कि बेहद वाणी के अंदर ये सारी चौपाइयां है, कि एक बूंद ना पाईया कई कर थके उपाय, अणु चोंच ना पाईया, तो कहते सारे सारे के सारे जितने भी ब्रह्मांड के अंदर हो गए उन्होंने ये बेहद वाणी की एक बूंद नहीं पाई, हमें तो 18,758 पूरा का पूरा मिल गया। और खाली मिला ही नहीं, अब तो सतगुरु जी ने कहा एक महीना बैठ के इस वाणी को ऐसे पढ़ो कि सारी सखियां परम धाम के अंदर उठें, तब तुम्हारे मुख उज्जवल हो, तुम धन धन होके उठो परम धाम के अंदर, कि हम वही सुंदर साथ हैं जो अधिक मास में नित्य प्रति सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की सेज्या पर 8 बजे पारायण शुरू होता था और आज 9:30 पूरा ही हो गया, 9:30 सुंदर साथ घर चले गए। बोलो श्री, कभी हुआ ऐसे, 8 बजे हमने पारायण शुरू किया, 9:30 सुंदर साथ प्रसाद नाश्ता लेके चले गए, बैठे रहे वो सेवा के लिए, जिसका मन था कि मैं ये भी सेवा करके जाऊं, मैं ये भी करके जाऊं, और बाकी सब चले गए। तो अब ये समय हमेशा रहेगा, कब तक, एक महीना लगातार हमें धनी जी पाठ पढ़ाएंगे, है ना। जिस वाणी को श्री जी कहते हैं, इस वाणी को देख के मेरा सिर तो आसमान के साथ लग गया। तो कहते और कोरेत किताब,
ताको कलश कलश सनंद अनूप शहर बखत कहते और तोरेत, तोरेत कहते हैं कलश को। और कहते जब अनूप शहर के अंदर जाते हैं ना तो ये प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को अनूप शहर में हिंदी भाषा में कर दिया जाता है। और फिर केतिक बानी धनी की रामनगर में भया मूल और रामनगर के अंदर खुलासा खिलवत ये शुरू हो जाती है। और बानी फिरकान की हदीस से मोहम्मद अलैहि सलाम भई सारी परना मिने बीच दीन इस्लाम कहते परना जी के अंदर फिर खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत सागर और छोटा क्यामत नमा और बड़ा क्यामत नमा चित्रकूट में उतरेगा। तो कहते हैं ये सारी वाणी वहां पे उतरती है। तो कहते हैं जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज सातों परिक्रमा परिक्रमा ग्रंथ के अंदर सातों परिक्रमा आई हैं, वो सातों परिक्रमा कहाँ उतरती हैं? परना जी के अंदर। और सात स्वरूप हैं श्री राजजी महाराज के, कौन से? प्रात्यकाल श्री राजजी महाराज केसरिया रंग की इजार पहनते हैं, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदरिया रंग की पाग है ना, और श्यामा जी का श्रृंगार, हरे रंग का पेटीकोट और सिंदरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की चोली है ना। ये सुबह श्रृंगार सजते हैं राजजी महाराज, फिर राजजी महाराज एक श्रृंगार 3 बजे सजते हैं जब वनों में जाते हैं, फिर शाम के समय वहां से आते हैं ना जब वापिस जमुना जी में झील ना करके, तब हरे रंग की इजार पहननी होती है और सफेद रंग का जामा और कंचन रंग का कमर में पटका पहनना होता है और सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोड़ी है ना। तो ये 5 श्रृंगार श्री श्यामा जी के, 2 श्रृंगार और राजजी महाराज के, 3 श्रृंगार, 5 ये होते हैं और 2 रास के हैं, 1 श्री कृष्ण जी का श्रृंगार, 1 ठकुरानी जी का जो हम अभी पढ़ रहे थे वो। तो ये सातों श्रृंगार सारे परनामी ने वास्ते संयन के सुकाज, ये वाणी सुंदर सात को सुख देने के लिए कहाँ उतरती है? परना जी के अंदर। और खिलवत सागर केतिक वाणी और सो हुई मोमिनों वास्ते, अब बताओ क्या कह रहे हैं, किसके लिए वाणी आई है? सच्ची वाणी आखंड वाणी कौन पढ़ेगा, सच्ची वाणी आखंड वाणी कौन पढ़ेगा, सच्ची वाणी आखंड वाणी कौन पढ़ेगा। किसके लिए आई, कौन है मोमिन? हम सुंदर साथ। तो कहते हैं सो हुई मोमिनों वास्ते मजल परना ठोर, ये वाणी कितनी कसनी कर करके धनी लेके आए हैं श्री महामत कहें, ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम। महामती कहते हैं ये ही श्यामा जी हैं, ये ही अक्षर की बुद्धि इनके अंदर मेहंदी के रूप में बैठी है और यही इमाम हैं, आखिरी इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं। ताकि भी तक और कहूं जो नूर दीन इस्लाम, तो कहते ये भी तक अभी और सुनाएंगे। अब राजा बाहर से आता है तो रानियां उनको कहती हैं कि देखो एक तो आपने उनका घर लूट लिया और दूसरा उनको नजरबंद कर दिया, 1 वर्ष होने को आया, अब आप इनसे माफी मांगो। तो वो अपने राजा से रानियां माफी मंगवा के और 5 कपड़े दिए जाते हैं, किनको? तीनों भाइयों को शिरोपांव दिया जाता है और 1 गांव देता है इनाम में राजा जूनागढ़ गांव बसाने के लिए। 5 कपड़े इनको देके और जूनागढ़ गांव बसाने के लिए देता है। इससे वो समय का रिवाज था कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया हो, गलती हो जाए राजा से, तो राजा माफी मांगता था और शिरोपांव देता था और गांव बसाने के लिए श्रीजी साहिब जी को दिया जाता है। और श्रीजी अब ये किताबें लेके कैसे जाएंगे गुरुपुत्र बिहारी जी के पास? और वो कहेंगे रहने दो, जो देवचंद्र जी चर्चा करते थे वही करेंगे, ए वाणी को रहने को दो। तो ये हम कल सारा प्रसंग सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएं, आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है, 1 महीना वाणी पढ़ने का पूरा साथ दीजिए।
क्योंकि अपने श्री गंगानगर में मेला करने के लिए सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी लगातार आप सभी से 2 घंटे ही मांग रही हैं, ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे प्रातः 8 से 10 का समय आप सतगुरु जी के चरणों में दीजिए, फिर देखना सतगुरु आपको क्या देते हैं, वो आपको क्या क्या प्रदान करते हैं। यहां भी धन-धन कर देंगे और परम धाम के अंदर भी धन-धन कर देंगे। तो आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रार्थना है, कम समय हो सिर्फ 500 चौपाई पढ़ के चले जाओ और कम समय हो 200 चौपाई पढ़ के चले जाओ, पर सभी आओ पाठ पढ़ने के लिए, क्योंकि अधिक मास जब तक चल रहा है ना, 1 चौपाई का 1000 गुना फल मिल रहा है 1 चौपाई पढ़ने का। अगर आपने 500 पढ़ ली तो सोचो कैसा जीवन हो जाएगा। जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा ना तो एक महीना कर लो, पूरा बैंक बैलेंस बराबर हो जाएगा, पिछले वाला भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। श्री मामत कहे मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूं जो नूर दिन इस्लाम, जो नूर दिन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। आज हमारे किसी सुंदर साथ ने बड़ी श्रद्धा भावना प्यार से अपनी तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा दी है। हम किसी का भी नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि सेवा करे ना जनाम ही अपनी आत्म के काज। सतगुरु देवचंद्र जी जो भी सेवा करते थे कभी नहीं बताते थे, तो उनकी सेवा 100 गुना बढ़ जाती थी। हम बता के क्यों खराब करें, है ना। तो हम जो भी सेवा करें गुप्त रूप में बना के खिलाते जाएं सुंदर साथ को, नाम तो राजी लेंगे परम धाम के अंदर, तब अच्छा लगेगा। 12,000 ब्रह्म आत्माओं में ये क्या 100-200 लोगों में नाम लेके आनंद थोड़ी आएगा। वहां 12,000 में जब धनी नाम बोलेंगे कि इस आत्मा ने अधिक मास में हमें लंगर प्रसाद हमारे सुंदर साथ को खिलाया था, तब तालियां बजेंगी, तब जय जयकार होगी मूल मिलावे में, तब वो घड़ी अलग होगी। इसलिए जो भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं वो चुपचाप किए जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। कल भी लंगर प्रसाद की सेवा गुप्त है किसी की, कल भी आपने चपातियां नहीं बना के लानी। मैंने तो आज महाराज श्री ज्वारदास जी से कहा कि हमारे सुंदर साथ ने वाणी पढ़नी शुरू करी, आपने रोटियां बनवानी बंद कर दी। 15-15 फुलके शाम को बनाती थी, धनी ने कहा ना बनाओ, मैं अपने आप बना के खिला लूंगा, तुम वाणी पढ़ो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ बजर स्वामी प्राणनाथ पूरण ब्रह्म।
Bye.